हेलो एवरीवन, जिन लोगों ने घर पे ही बॉडी वेट वर्कआउट करके एक लेवल अचीव कर लिया है, उनको लेवल अप करने के लिए एक्स्ट्रा वेट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। डंबेल्स आप स्टोर से या ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो, पर उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या करते हो, पेंट्स के डिब्बों में सीमेंट मिक्सचर भर के आप डंबेल्स बना लेते हो, पर उसका वेट एक्यूरेट नहीं होता जो आपकी रिक्वायरमेंट है। इस वीडियो में हम एग्जैक्ट वेट्स के डंबेल्स घर पे ही बहुत कम पैसों में कैसे बनाए जा सकते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले आप सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट्स का ड्राई मिक्सचर प्रिपेयर कर लीजिए। तीनों का प्रोपोर्शन अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप रख सकते हो। ये ड्राई मिक्सचर की डेंसिटी फाइंड करनी है, तो उसके लिए आप कोई सिलिंड्रिकल वेसल लीजिए और टॉप तक फिल कर दीजिए ये मिक्सचर को, और फिर विदाउट वेसल सिर्फ ड्राई मिक्सचर का वेट निकाल लीजिए। इस वेट को आप वेसल के वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो ड्राई मिक्सचर की डेंसिटी आपको पता चल जाएगी। इसकी वैल्यू 2000 से 2400 केजी पर मीटर क्यूब जितनी हो सकती है। सपोज आपको 10 केजी का डंबेल प्रिपेयर करना है, तो उसको हम टू पार्ट्स में प्रिपेयर करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और दोनों का वेट होगा 5 केजी। बीच में जो पाइप है उसका वेट आप अभी के लिए निग्लेक्ट कीजिए। हर एक पार्ट का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए 5 केजी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कीजिए, इससे आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। यूनिट होगा मीटर क्यूब, उसको आप सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लीजिए। ये वॉल्यूम का सिलेंडर प्रिपेयर करने के लिए फ्लेक्सिबल सनमेका का यूज कर सकते हो। इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स है, डायमीटर एंड हाइट। दो में से कोई भी एक पैरामीटर को फिक्स करके दूसरा पैरामीटर आप इजीली फाइंड कर सकते हो। डंबेल का हैंडल प्रिपेयर करने के लिए 1.5 इंच डायमीटर की पीवीसी की पाइप यूज कर सकते हो। पाइप की लंबाई आपने जो दोनों पार्ट्स की हाइट डिसाइड की है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, और सेंटर में ग्रिप के लिए 15 सेंटीमीटर जितना पार्ट यूज कर सकते हो। पाइप के दोनों एंड्स पे 4 से 5 नेल्स लगा दीजिए। नेल्स की वजह से पाइप को सीमेंट मिक्सचर होल्ड करने में एक्स्ट्रा बाइंडिंग एरिया मिलेगा और डंबेल की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। इसके बाद सनमाइका को फोल्ड करके जो डायमीटर चाहिए वो डायमीटर का सिलेंडर बना ले, एंड को टेप से फिक्स कर ले ताकि वो बाद में निकल ना पाए। कोई फ्लैट सरफेस पे पहले प्लास्टिक रखिए और उसके ऊपर सनमाइका से बनाए गए सिलेंडर को रखिए। बाद में इसमें सीमेंट मिक्सचर को फिल कीजिए। इससे डंबेल का बेस बॉटम सरफेस से चिपकेगा नहीं और आपको स्मूथनेस भी मिलेगी। इस टेक्निक से आप कोई भी साइज का डंबल इजीली बना सकते हो।